hello student today we are talking about the poem in the bazaars of hyderabad and the poet of this poem sarojini naidu this poem is it is the poem of your first semester first poem फ्रॉम दिस पोयम इन दिस वीडियो वी आर टॉकिंग अबाउट द पोएट इंट्रोडक्शन एंड द पोएम्स इंट्रोडक्शन ओके तो इस वीडियो में हम आपके सिलेबस की फर्स्ट पोएम इन द बाज़ार्स ऑफ हैदराबाद सरोजिनी नायडू जी की इनका इंट्रोडक्शन देखेंगे सरोजिनी नायडू was born in 1879 the eldest daughter of डॉटर ऑफ अघोर नाथ चट्टोपाध्याय ओके जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि सरोजिनी नायडू उनका जन्म अठारह से उनसी में हुआ था और ये अघोरनाथ चट्टोपाध्याय जी की एल्डेस्ट डॉटर थी एंड एजुके एजुकेस्ट इन हैदराबाद and baroda sundari devi she displayed early promise and won a scholarship from the nizams foundation to study in england okay she studied at kings college london and later at cambridge here she was brought in close contact with the well known writer ऑथर साइमन्स ऑफ इडमन गुज़ देखो यहाँ पे सरोजिनी नायडू जी का बचपन बताया गया है किस तरह से उनको स्कॉलरशिप मिली और किस तरह वो निज़ाम फाउंडेशन से उनको इंग्लैंड में स्टडी के लिए स्कॉलरशिप मिली और इंग्लैंड के किंग्स कॉलेज में उसके बाद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उन्होंने स्टडी की है वहाँ पे उनका कांटेक्ट वेल नोन राइटर ऑथर साइमन्स एंड इडमर्ड गूज के साथ हुआ हु एडवाइज्ड हर टू राइट अबाउट इंडिया सर उन उन लोगों ने उनको इंडिया के बारे में लिखने के लिए बताया बोला था पूछा था एडवाइस दी थी सी रिटर्न टू इंडिया इन सितंबर 1898, सो so, देखो अठारह में जन्म हुआ और स्टडी करके लंदन जाके स्टडी करके सितंबर अठारह में वो सरोजन नायडू जी इंडिया आए विद द अराइवल ऑफ़ महात्मा गांधी इन द पॉलिटिकल सैंस ऑफ इंडिया सी वॉज ग्लैमस्ट इन टू एक्शन इन द फ्रीडम स्ट्रगल देखो तो महात्मा जी जब पॉलिटिकल सेंस में आए इंडिया में जब उनका पॉलिटिकल एंट्री हुई तो उनके साथ उन्होंने फ्रीडम एक्शन में स्ट्रगल में उन्होंने भाग लिया हर लव फॉर द कंट्री वॉज इंटरलिंक्ड टू हर पोएटिक एंड पॉलिटिकल सेल्फ सो हर पोएम्स हर पोएटिक्स और हर पोएम्स एंड पॉलिटिकल सेल्फ यानी उनका जो राजकीय जीवन है और जो उनका जो पोएटिक सेंस है ये इंडियन स्ट्रगल फ्रीडम स्ट्रगल के लिए बहुत मायने रखता है नायडू वॉज द फर्स्ट इंडियन वूमेन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस ओके तो ना सरोजिन नायडू जी नायडू जी इंडिया की फर्स्ट वूमेन थी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट बन चुकी थी बनी बने थे ओके एंड द फर्स्ट वूमेन टू बिकम द गवर्नर ऑफ इंडियन एंड इंडियन स्टेट और इंडियन स्टेट की गवर्नर भी बनने वाली पहली महिला थी सी पास आवे इन नाइनटीन फोर्टी नाइन नाइनटीन फोर्टी नाइन में उनका देहांत हो चुका हुआ था हुआ वाइल वर्किंग एट हर ऑफिस सी इज कॉमेटल विथ हर नेम एडोरिंग सेवरल स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया ओके तो उनके नाम पर बहुत सारे यूनिवर्सिटीज स्कूल्स दर्ज है इंडिया में उनके वर्क बहुत अच्छा था इंडिया के प्रति इंडियन स्ट्रगल फॉर फ्रीडम इन इस पोएम सी ईवॉक्स देंस ऑफ जस्ट लिंग बाजार इन हैदराबाद देखो इस पोएम में उन्होंने हैदराबाद के बाजार की बात की है द टाउन ऑफ हर बर्थ विथ स्टेट स्किल्स एंड आर्टिस्ट्री देखो उनका जो बर्थ टाउन है, हैदराबाद तो बर्थ पैलेस या फिर मदरलैंड मदर प्लेस जो है उनके प्रति उनका कर्तव्य बनता है कि कुछ ना कुछ उनके राइटिंग में आना चाहिए तो इस इसी हिसाब से उन्होंने ये जो हैदराबाद टाउन जो फ़ेमस टाउन है इंडिया का फेमस शहर है तो इसके जो स्किल है वो बताने की कोशिश की है तो सीरीज ऑफ़ क्वेश्चन दैट सी एड्रेसेस टू द देंडर ट्रेडर्स एंड वेंडर्स इन द वाइब्रेंट बाज़ार्स ऑफ हैदराबाद एंड इन द रिप्लाइज दैट फेलो द रीडर गेट्स टू न्यू द इंटर के डिटेल्स नॉट ओनली ऑफ द वेयर्स बींग सोल्ड बट अल्सो अबाउट देअर रिलेशन्स टू लाइफ एंड द वर्ल्ड देखो इस पोएम में जो वेंडर्स बाजार में जो कुछ वेंडर्स रहते हैं ट्रेडर्स रहते हैं उनसे क्वेश्चन एड्रेस किया है और उनका जो कुछ भी एंसर्स डिटेल आंसर्स वेंडर ने दिया है जो रीडर को डिटेल्स पता चलता है ओके okay. तो ये क्वेश्चन आंसरिंग की पोएम बहुत ही मायने रखती है समथिंग नो अबाउट द प्लेस ऑफ हैदराबाद एंड देयर ब्राजार्स ओके सर डिटेल में पोइम्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे थैंक यू वेरी मच